बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑनरेबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ऑनरेबल काउंसलर ऑफ चाइना इन लाहौर मिस्टर यू गोरेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वॉशन पार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मिनिस्टर लॉ राना मिनिस्टर मोहम्मदीन कामरान चेयरमैन पंजाब पावर बोर्ड चौधरी आरिफ सिंह चेयरमैन बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पंजाब नाजिर खान ऑनरेबल मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफिशल्स पार्लियामेंटेरियंस लेडी एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम जनाब वज़ीर आज़म आज आप यहाँ पर अपनी गुनागुन खुफियात से वक्त निकाल कर साहिवाल कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट जो कि 1320 मेगावाट का मंसूबा है उसके मायने पर आज यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इससे न सिर्फ हमें मज़ीद हौसला मिलता है बल्कि काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत आपकी सपोर्ट मिलती है। जनाब वज़ीर आज़म ख्वानों के चेयरमैन जनाब वांग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं अपनी पूरी टीम के साथ और आप जानते हैं कि चीन में इस वक्त उनके नेशनल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनका ट्रेडिशनल न्यू ईयर है चाइना में और ये 10 दिन वहाँ पर मुकम्मल चीन में छुट्टी होती है, पूरे चीन में डिनर्स होते हैं, वो फैमिली रीयूनियन होती है। मगर आप देखें कि ख्वानों के जो प्रेसिडेंट जनाब वांग और अपनी टीम के साथ स्पेशली इस वक्त साहिवाल पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं उससे आप अंदाज़ा फरमाएं कि ख्वानों की रूई ख्वानों की कितनी कमिटमेंट है इस मंसूबे के साथ, कितनी जिम्मेदारी का वो मुजाहरा कर रहे हैं कि अपनी छुट्टियां डिनर्स फैमिली रियूनियन को छोड़ के यहाँ पर आज साहिवाल में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि यह है वो वालेहाना मोहब्बत चीन की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और चीन के अवाम की पाकिस्तान के अवाम के साथ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं कि जनाब वज़ीर आज़म के ये मंसूबा जो तारीख तय थी 25 दिसंबर 2017 को ये 1320 मेगावाट का मंसूबा पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बिजली मुहैया कर रहा होगा, इंशाअल्लाह ये उससे कहीं पहले न सिर्फ मुकम्मल होगा बल्कि नेशनल ग्रिड पर बिजली मुहैया कर रहा होगा। ये मैं समझता हूँ सिर्फ चीन ही में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया में इस तरह का जो 1320 मेगावाट का कोयले की बुनियाद पर चलने वाला मंसूबा वो एक रिकॉर्ड मुदत में मुकम्मल हो चुका होगा, रिकॉर्ड मुदत में। आमतौर पर हिंदुस्तान में खुद देखा कि 44 महीनों में 5 सालों में मंसूबे मुकम्मल हुए और दुनिया में और जगह भी मार्स वाई चीनी कंपनियां जो रिकॉर्ड चीन के अंदर इस तरह के मंसूबों को मुकम्मल करने का रखती हैं, ये मंसूबा उस रिकॉर्ड को भी
तोड़ देगा और शायद 5 साल के मुकाबले में जो एक ट्रेडिशनल टाइम फ्रेम है, ये इंशाल्लाह 2.5 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये इससे बेहतर रिकॉर्ड हासिल करना शायद मुमकिन ना हो, और इसकी वजह जनाब वज़ीर आज़म, मैंने जो दो तरफा ताल्लुकात की बयान कर दी, मगर उससे ऊपर आपकी सरबराही अंडर योर डायनेमिक लीडरशिप और आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जब टीम और पंजाब से हुए भी कंप्लेंट है आपकी गवर्नमेंट की जो टीम है वो मिलकर जनरल इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए दीवानावार काम कर रहे हैं, और मैं आपको तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर वाटरिंग पार्क में भरपूर तारीफ हासिल है, सेक्रेटरी वाटरिंग पार्क यूनुस भागा साहब की, और इसी तरह दर्जा बदर्जा जो दूसरे फेडरल जो इदारे हैं उनके साथ साथ पंजाब में चीफ सेक्रेटरी से लेकर पंजाब की काबीना और यहाँ की साहिवाल की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं दिन रात इस मंसूबे के लिए इस तरह काम के लिए मौजूद होते हैं कि शायद इससे ऊपर उनको कोई और काम से जरूरी काम कोई है नहीं। ये है वो स्पिरिट जो आप लीडरशिप में इस पर पाकिस्तान में एक नए कल्चर का रूप धार चुकी है, और अभी आप मीडिया से बात कर रहे थे तो ये साहबी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या वजह है कि एक साहबी कहते थे मैं 1.5 महीना पहले आया तो कुछ और था, आज मंजरनामे बदल चुका है। जनाब वज़ीर आज़म, सच्ची बात यह है कि इसका संगे बुनियाद आप रखा था मई 2014 मुनासिब नहीं, उसका नाम लेना भी वक्त का ज़ाया है। मेरी मुराद तारीख के सबसे बड़े धरनों की जिसने पाकिस्तान की जो माशी हालत का दर्द तख्ता कर दिया, पाकिस्तान का नाम रुसवा किया और हर तरफ तबाही फेर दी, उसका आप जिक्र करना वक्त का ज़ाया है। फिर उसके बाद चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग पिछले साल तशरीफ लाए और यानी मायूसों के बादल छटे और जो इंस्टेबिलिटी वो ख़त्म हुई और अप्रैल में मुआहदे हुए, और फिर जून 2015 में सॉरी जुलाई 2015 में आज सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिन भूत दिन रात काम करते रहे। मैं समझता हूँ कि ये वो कल्चर है जिसकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लीडरशिप में रखी गई है, और मैं समझता हूँ कि मैं कोई यहाँ पर अनहोनी बात नहीं करना चाहता या प्रीमैच्योर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से जिस स्पीड से ये मंसूबे के जो ओनर्स हैं रुई खानों चाइनीज गवर्नमेंट की भरपूर सपोर्ट के साथ चीनी सफीर की और मेरे दोस्त जो यू वर्ल्ड जो चीनी काउंसल जनरल की भरपूर सपोर्ट के साथ एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब चेयरमैन PNB जो पहले ACS एनर्जी रहे हैं और पुलिस आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और यानी मैं किस किस के जरिए बोलूँ कमिश्नर RPO DPO DCO जहाँ वजीरा मैंने एक ग्रेड भाई आप ग्रेड 20 21 हैं खड़े हो जाएंगे नदीम चौधरी इसका बेचारे का काम भी और जो भी वहाँ से आए सारे बात बात बोल जितनी चाहिए बात काम इसको मैं समझता हूँ कि भरपूर ताकि इसमें वहाँ ऑफिस भी लगानी चाहिए इसको और कोई काम है ही नहीं, रात को सोता भी है तो सारी बात प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है दिन को भी, तो ये जो कल्चर आप लीडरशिप में जो अल्हम्दुलिल्लाह जड़े पकड़ चुका है वो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई फोर्स मेजोर वो तो
میں تو پرڈکٹ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ فضل و کرم تھا اور انشاءاللہ ہوگا. تو یہ 25 دسمبر سے بہت پہلے یہ منصوبہ 1320 میگاواٹ پاکستان کو بجلی مہیا کر رہا ہوگا. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا اور کوئی وجہ ہے کہ ماضی میں اور آج میں کیا فرق آیا. فرق بڑا واضح ہے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ تین سال وہ سوتا رہا کراچی پورٹ پر 3 سال، اور یہ منصوبہ جولائی 2015 میں پہلا اس شامل کیا گیا اور آج آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. پاکستان بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، ادارے بھی وہی ہیں، افسران بھی وہی ہیں. تو فرق کیا آیا؟ فرق یہ ہے کہ ایک تڑپ، ایک کمٹمنٹ، ایک کنسرن، ایک شوق اور ذوق، اور اس سب سے بڑھ کر جو جواب دہی اللہ تعالیٰ اور عوام کو، یہ وہ سوچ ہے جناب وزیر اعظم جس کو آپ لے کر چلے. اور آج آپ کی ٹیم دکھا پا رہی ہے. میں آخر میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. جناب وزیر اعظم، یہاں پر اس منصوبے کے اوپر 1.8 بلین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، جو کہ 100% چینی سرمایہ کاری ہے اور 100% چینی بینک سے لون لیے گئے ہیں. اور لون کو لینے کے لیے پاکستان یا حکومت یا کسی بینک کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ 100% آئی پی پی کا اپنا ارینجمنٹ ہے، یعنی روی خوانوں. اور اسی طرح سی پیک کے تحت باقی منصوبے بھی بجلی کے خاص طور پر لگائے جا رہے ہیں. ابھی ایک سلائیڈ دکھائی تھی پریزیڈنٹ وانگ نے کہ جو اگر یہ منصوبہ آپ نے جو آپ کی ایک بہت دلی خواہش ہے کہ وقت پہلے شروع ہو جائے، تو این ٹی ڈی سی کو اپنا وقت پر وہ جو ایویکویشن کا سسٹم تو اویلیبل ہے، لیکن وہ جو گرڈ کرنا ہے گرڈ کے ساتھ اور جو گرڈ بنانا ہے وہ چیلنج نہیں تو وقت پر اس کو مہیا کرنا ہوگا. اور قاسم کے چیئرمین یہاں پر موجود ہیں، جو آپ نے ان کو حکم دیا ہے کراچی میں اس منصوبے کے لیے اور دوسرے منصوبوں کے لیے جو کوئلے کی انلوڈنگ اور پھر ان کو ریلوے کو چڑھانا، وہ منصوبہ آپ نے ان کے حوالے کیا ہے، اس کو وقت پر مہیا کرنا. پھر ریلوے والے ہم سے بہت تعاون کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہاں پر اسپر ان کا بنا ہے، فنڈ ان کو مہیا کر دیے گئے ہیں، اور وہ اسپر جو ہے ریلوے کا وہ وقت پر مہیا ہونا. یہ ہے وہ جناب وزیر اعظم، یعنی جو ایک مشروط چیز ہے. پروجیکٹ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا وقت بہت پہلے، لیکن یہ 3-4 چیزیں ان پلیس ہوں گی تو یہ بجلی مہیا ہوگی، وغیرہ خدا نہ خواستہ اس میں اگر تاخیر کا جو آنسر ہے اس کو انشور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی میں گزارش کروں گا. اور میں آپ گزارش کروں خواجہ آصف صاحب کو اور سیکرٹری وارڈن پال اور چیئرمین پورٹ کاسٹنگ کو کہ وہ مہربانی کر کے اس میں وہ ریویو کریں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی اور ان شاء اللہ یہ منصوبہ دنیا کی تاریخ میں بہت پہلے بجلی دینا شروع کر دے گا. آخری بات جناب وزیر اعظم، میں یہاں پر یہ ارج کرنا چاہتا ہوں اور وہ بڑے ادب سے دیکھیں کہ یہ گیس پاور پروجیکٹ جو ہے اس کو کام شروع ہو چکا ہے 3600 میگاواٹ، اور مجھے تفصیل بجائے بغیر یہ صرف کہنا ہے کہ اگین آپ لیڈرشپ میں دنیا کی یہ عصر حاضر کی تاریخ میں سب سے کم نرخوں پر یہ پاور پلانٹس پرچور کیے گئے اور ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اس میں اگین چوری داموں کے ساتھ فیڈرل اداروں کا، منسٹریز کا اور پنجاب کے ادارہ ہمارا ہے. تو 6 مہینے ہو گئے ہیں نیپرا جو ہے وہ اس کے جو ٹیرف ہے اس کے اوپر، پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کو کہا گیا کہ 1 ہفتے میں ٹیرف دے دیا جائے گا اور 2 ہفتے میں دے دیا جائے گا. 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ ابھی تک ٹیرف اناؤنس نہیں ہوا. اور میں یہاں پر نیپرا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بات میں بہت دور تک نکل جائے گی وزیر اعظم، میں بڑے ضبط اور بڑے صبر سے کرنا چاہتا ہوں کہ نیپرا اس وقت کہاں تھا جب 17 سینٹس
अपना सोलर पावर की उन्होंने अपना दिया अपना ये टैरिफ है, और पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कमर्शियल बेसिस पे हमने पंजाब में लगाया, और नेपरा ने हमें कॉपी करके हमें खुशी है 14 सेंट मिला है, बहुत खुशी है। सस्ती बिजली इस मुल्क में आपने भी फरमाया मुहैया होनी चाहिए। फिर नेपरा मुल्क कहां था जब ये इसका कैपेक्स $8 लाख दिया गैस बेस पावर प्रोजेक्ट का, और जनाब आपने आप लीडरशिप में $4,66,000 पे आधी कीमत पर हमने अपना इसको अचीव कर दिया गैस बेस पावर प्रोजेक्ट गुदू के मुकाबले में $8.5 लाख ये $4.5 लाख और दूसरे प्रोजेक्ट लगे हैं जो 6-7 लाख रुपए उसके नेपरा कहा था जब उन्होंने कैपिटल कैपेक्स जो है वो $8 लाख दिया। मैं और ज्यादा बातें तक नवाई मैं नहीं करना चाहता जनाब वजीर आजम, लेकिन ये कहां का तरीका है कि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तारीख की सबसे कम कीमतें हासिल कर ली, और जरूर और उसका फायदा गरीब आवाम को जो निम्न जो आपने मुहैया कर दिया कि अब बिजली गैस की बनने वाली सस्ती होगी, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम कॉस्ट प्लस में देंगे, यहां पर हम कॉस्ट प्लस में 6 महीने और लग जाएंगे, और इसका मैं नुकसान है आपको अभी उठा देता हूं, नुकसान होगा क्या? मैं इसको आई एम नॉट कास्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपर्शन, आई एम नॉट कास्टिंग एनी डाउट, लेकिन मैं अगर ये कह दूं शहरत है तो मैं उससे परहेज करूंगा, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जनाब हमें बैंकों से अपना फ्रेंच क्लोज करना है पाकिस्तान के बैंकों से, जब तक टैरिफ नहीं आएगा वो फ्रेंच क्लोज नहीं करेंगे, और अगर उसकी वजह से खुदा ना खास्ता ये गैस पावर प्रोजेक्ट जो खास कर पंजाब का है फेडरल गवर्नमेंट तो अलहमदुल्ला एडीपी से कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉस्ट प्लस भी आ जाए तो डजंट मैटर, बट अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जो हमने इक्विटी के अलावा बैंक से हमने पैसे लिए हैं और बैंकों ने अपने खुद कर हमें हमारी मदद की बोलते हैं इस तरह की प्राइसेस, तो हम सोच नहीं सकते थे कि ट्रांसपेरेंसी स्पीड हर चीज कोई एक भी बड़े ड्राइव कोर्ट भी नहीं गया, कोई अदालत नहीं गया, अब बड़ा लीगल फ्री अपना ये प्रोसेस चला, ये भी कोई मामूली बात नहीं। इस मुल्क में जाना मुझे लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं, खास अच्छी तरह जानते हैं किस तरह एक एक छोटी सी चीज लेनी हो तो 10 कंपनियां कोर्टों में पहुंच चुकी हैं, ये वो आपकी गवर्नमेंट की शफाफियत है, लेकिन आज अगर हमें नेपरा ने कहा कि कॉस्ट प्लस में जाएंगे 6 महीने का ये कहा गया 1 हफ्ते में हम आपको बिजली आपकी टैरिफ दे देंगे, और अब कॉस्ट प्लस तो कॉस्ट प्लस में वो अपना खास सब जवान है कि वो बत्ती पीछे में हमें लगा रहे हैं, ये इस तरह मुल्क चलते हैं अपनी कारकर्दगी। मैं किसी एक फर्द के ऊपर मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं बतौर एक इदारे की बात कर रहा हूँ, अपनी कारकर्दगी के ऊपर वो देखे तो वो अपने मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मगर आज आपकी अपना लीडरशिप में अगर एक काम कौम की अंधेरों को दूर करने के लिए रोशनियों में पाकिस्तान को लाने के लिए तरक्की और खुशहाली के इस सफर को तेजी से अपना तय करने के लिए जिस तरह आपने मिसाल आज यहाँ पर देखी है और इस तरह की मिसालें और पूरे मुल्क में आप कायम कर रहे हैं, तो इस तरह नेपरा का ये इश्यू मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के कौच के साथ ज्यादती और जुल्म और ज्यादती है। बस मेरी इतनी बड़ी गुजारिश है जनाब वज़ीर आज़म, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, और मेरी आपसे 10% अर्ज है कि उनको हुक्म दें कि वो हमें चाहे वो इंटरनल टैरिफ दे दें, लेकिन अपफ्रंट टैरिफ दें, उनको क्या तकलीफ है अपफ्रंट टैरिफ देने की, सारे जमाने को बेहतर है 17 सेंट भी जो था वो भी अपफ्रंट टैरिफ था, गैस का भी जो पहला अभी जो टैरिफ था वो भी अपफ्रंट टैरिफ था, कोल बेस भी है वो भी अपफ्रंट टैरिफ था, अब उनको कॉस्ट प्लस याद आ गया, ये सर वो अपनी नाकामियां, मैं नाकामी के अलावा और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, हमें वो बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, 10 करोड़ अवाम का पैसा है, जान वजीरा से मेरी आपसे मिन्नत है दरख्वास्त है जिसके ऊपर फिल्म और फैसला करवाएं कि बैंक अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान जनता।